हाय गाइज, मैं शांत हूँ। आप देख रहे हैं टेक्निकल शांत, और इस वीडियो में आपको बताऊँ कैसे आप पिक्सल 5 का एप्स को इंस्टॉल कर सकते हो कोई भी शॉमी डिवाइस में। तो अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अगर आपको इंस्टॉल करना है पिक्सल लॉन्चर, फोन ऐप, मैसेजेस ऐप, जी कैम, तो कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं बिना रूट का ज़्यादातर शॉमी डिवाइस में या रेडमी डिवाइस में, तो आप कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये आपका हो गया पिक्सल लॉन्चर का पोर्ट, जो कि आपको डायरेक्टली प्ले स्टोर में मिल जाएगा और जहाँ से आप डायरेक्टली इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, और कोई भी ये दिक्कत नहीं आएगा आपको, ये कोई भी एंड्रॉइड डिवाइस में ज़्यादातर काम कर जाएगा। तो अगर आप जाइएगा होल्ड करके इसको होम स्क्रीन में, तो आपको होम स्क्रीन सेटिंग देखने को मिल जाएगा, विजिट देखने को मिल जाएगा, और वॉलपेपर्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और इसमें आपको पिक्सल लॉन्चर से ज़्यादा मतलब कि आपको सेटिंग्स में ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि आपका पिक्सल लॉन्चर में इतना ज़्यादा सेटिंग्स का ऑप्शन नहीं रहता है। तो ये मेरे को वन ऑफ द बेस्ट लगा। अगर आपको पिक्सल लॉन्चर जैसा ट्राई करना कुछ लॉन्चर, तो आप ट्राई कर सकते हैं। और आपका इसमें ज़्यादा फीचर जैसे ही पिक्सल लॉन्चर में आता है, धीरे धीरे इसमें भी आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें आपको आइकन पैकेज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि पिक्सल लॉन्चर में मिलता है, बट कभी कभी आपको उसमें रिमूव कर दिया जाता है पोर्ट में। तो ऑब्वियसली ये आप ट्राई कर सकते हैं। इसमें आपको जो विजिट है वो भी आप अपने हिसाब से 4 विजिट का ऑप्शन, मतलब 3 विजिट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। डिफॉल्ट में आपको बहुत इंटरेस्टिंग सा विजिट देखने को मिल जा रहा है, स्पॉटिफाई का आपको विजिट देखने को मिल जा रहा है, तो जो कि मेरे को पर्सनली स्पॉटिफाई का काफ़ी अच्छा लगता है, और मैं यूज़ भी करता हूँ स्पॉटिफाई। और इसमें आपको जेस्चर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि आपको पिक्सल लॉन्चर में जेस्चर का ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है। और इसमें आपको न्यूज़ फीड का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो देखिए जैसे कैसा कुछ स्पॉटिफाई का जो विजेट है, ऐसे कुछ आपको मिलने वाला। तो अगर आपको ये डाउनलोड करना तो ये भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आपको एट अ ग्लांस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो एट अ ग्लांस अगर आपको यूज़ करना है तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से अगर आपको एक सिंपल और अच्छा लॉन्चर चाहिए तो ये आप ट्राई कर सकते हैं, जो कि आपका रथलेस लॉन्चर है। लिंक आपको मिल जाएगा, जहाँ से आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और सेकंड आपका हो गया फ़ोन ऐप, जो कि आपका गूगल फ़ोन ऐप आपको प्ले स्टोर पहले मतलब सपोर्ट नहीं करता था, बट अभी आपका प्ले स्टोर में सपोर्ट कर रहा है। तो डायरेक्टली आप प्ले स्टोर से ही मतलब लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा एक फ़ोन एप्लीकेशन है अगर आपको शाओमी का नहीं यूज़ करना है, और अगर आपको कुछ नया यूज़ करना है या आपको जो कॉलिंग हुआ है वो चेंज करना, तो आप ये लॉन्चर मतलब ये फ़ोन ऐप यूज़ कर सकते हैं। और इससे आपका जो पूरा लुक है फ़ोन का, मतलब कॉलिंग स्क्रीन का, वो आपका चेंज हो जाएगा इनकमिंग और आउटगोइंग। डिफ़ॉल्ट में अगर आप उसको सेट कर दीजिएगा तो आपका जो पूरा लुक है आपको ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा, स्टॉक एंड्रॉइड जैसा आपको पूरा लुक एंड जो फील है वो आपको पूरा स्टॉक एंड्रॉइड जैसा मिलने वाला है। तो अगर आपको ये ट्राई करना है तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। मेरे लिए मतलब कि इसमें आपको बस रिकॉर्डिंग अगर आप नहीं यूज़ करते तो ये आप अच्छा से यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आपको रिकॉर्डिंग यूज़ करना है तो वो ऑप्शन आज इसमें डिसेबल रहता है, बट शायद कुछ दिन में ये अपडेट के साथ आ जाए। मेरे को जितना पता है कि अपडेट के साथ शायद आ रहा है। तो अगर आप देखिएगा तो डार्क मोड अगर आप इनेबल कर दिए तो ये आपका डार्क हो जाएगा, और अगर आपको लाइट मोड रहेगा तो लाइट रहेगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग आपका एक नया है, तो अगर आपको ट्राई करना है, क्योंकि पहले आपका फ़ोन ऐप नहीं काम करता था शॉमी डिवाइस में, और प्ले स्टोर में भी ऑफिशियली देखने को मिलता था बट आपका सपोर्ट नहीं करता था, तो अभी आपका कर रहा है। तो अगर आपको डाउनलोड करना है तो लिंक मिल जाए डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं लॉन्चर को, फ़ोन ऐप को। और सेकंड आपका हो गया ये, तो इसको ऑफ करते हैं डार्क मोड को और चलते हैं थर्ड ऐप में। तो थर्ड ऐप आपका हो गया जो कि आपका मैसेजेस ऐप है। तो अगर आपको ये भी डाउनलोड करना है, अगर आपको मैसेजेस अपना वाला नहीं पसंद जो कि आपका डिफ़ॉल्ट मिलता है, तो आप सेकेंडरी ये यूज़ कर सकते हैं, या इसको ही आप डिफ़ॉल्ट में सेट कर सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा एक मैसेजेस ऐप है, जो कि आपको गूगल की तरफ से तो पता ही आपको अच्छा ही होगा। और इसमें आपको जो रिक्स का ऑप्शन वो आपको नहीं देखने को मिलेगा, फ़ोन ऐप मैसेजेस ऐप हो गया। और लास्ट आपका बच जाता है जी कैम, तो वो भी आपको मिल जाएगा इंस्टॉलेशन के लिए। और आपको जो कुछ पिक्सल 5 का जो वॉलपेपर है वो मेरे को पर्सनली काफ़ी अच्छा नहीं लगा, मतलब अजीब सा कार्टूनिश टाइप, मतलब बहुत ही मतलब आपको देखने को मिल जा रहा होगा। कुछ कुछ बस 2 से 3 ही मेरे को पर्सनली ठीक लगा, बाकी सब यूज़लेस है। तो ऑब्वियसली अगर आपको ऐसा कुछ वॉलपेपर चाहिए तो उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा सभी का, जो कि आपका पिक्सल 5 का वॉलपेपर का पूरा जिप फाइल है, उसका आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। और लास्ट आपका बच गया जी कैम, जो कि आपका मतलब कि एकदम लेटेस्ट पोर्ट जो है 7.4, वो आपको देखने को मिल जाएगा, उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो ज़्यादातर इसमें आपका कैमरा TPI अगर आपका डिवाइस में अनेबल है, तो ज़्यादातर आपका Redmi 7 से ज़्यादा ही आपका काम कर जाएगा सभी डिवाइस में, उससे पुराना Redmi Note 6 और Redmi 6 से सबसे ये सब में काम नहीं करेगा। तो अगर आप उस सब में यूज़ कर रहे हैं बिना रूट का तो नहीं काम करने वाला है, बट बाकी अगर Redmi 7 से यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपका काम कर जाएगा। इसमें आपको सभी नॉर्मल फीचर देखने को मिल जा रहा है, बट आपका ये लेटेस्ट पोर्ट है, जो कि मतलब आप अगर आप देखिएगा इसमें आपको जो ऑप्शन है उतना यार नहीं देखने को मिल रहा, मतलब कि वो नॉर्मल पोर्ट है बस खाली। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा फीचर्स मिलेगा, तो वो सब जैसे कि XML यूज़ करने का ऑप्शन नहीं है इसमें,
तो अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो आप दूसरा ट्राई कर सकते हो, बट अगर आपको एक सिंपल और अच्छा पोर्ट चाहिए जो कि आपका कम लैग करे और कम बग्स हो, तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। गूगल कैमरा 7.4 चुकी है, जो कि मेरे को पर्सनली अच्छा लगा ये पोर्ट, बट उतना ज़्यादा फीचर्स नहीं है, तो अगर आपको ये ट्राई करना है तो आप ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मतलब और ऐसा वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मैं बोलता कल ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय।